कौन सा आई? अच्छा, लगाया अपने जी तो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो तू भी सर, और वो हमेशा क्रांतिकारी गतिविधियों में वो लगे रहते थे। और ये कानपुर का जो उत्तर प्रदेश वाला ये सारा बेल्ट है, ये सब मेरठ हो, कानपुर हो, ये दिल्ली वाले सारे क्षेत्र, तो यहां बहुत उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन चलते थे, बहुत प्रभावी आंदोलन चलते थे देश की स्वतंत्रता के लिए। तो उसमें दीनदयाल जी भाग लेते थे, और धीरे धीरे जब वो संघ के अंदर प्रचारक के नाते से आए, और जब भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ का गठन हुआ, और उसमें वो महामंत्री के नाते से उनके पास दायित्व आया, और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद जब धीरे धीरे परिस्थितियां बनी, हालांकि बीच में स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन दीनदयाल जी को भी एक बड़ी छोटी काल अवधि के लिए 42-43 दिन ही वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और 11 फरवरी 1968 को एक साजिश के तौर पर उनकी हत्या की। दीनदयाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, 11 फरवरी को उनकी जब हत्या कर दी गई, लेकिन जो उनके विचार हैं, जो उनके कार्य हैं, जो उनकी देन है, जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका सारा का सारा जीवन है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायी जीवन।